सोमवार को सभी सेक्रेटरीज की हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को अधिकारियों के साथ मंडे मीटिंग की है कि कौन से डिपार्टमेंट में किस चीज। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आम जनता और प्रभावितों तक राहत पहुंचाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी की तरह चुनाव के मद्देनजर कोई काम नहीं करती। सरकार का धैर्य सिर्फ प्रभावितों तक राहत पहुंचाने का है। उन्होंने कहा कि साल 2024 के चुनाव आने वाले हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से तबाही हुई है। राज्य सरकार अब भी केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। जरूरत पड़ने पर भी दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे। सही आकलन करके उनको जो भी उचित समय पर मुआवजा देने की बात होगी उसका भी हम स्टडी करेंगे। सर प्रियंका गांधी हिमाचल आने वाली है, क्या शेड्यूल तय हो गया है? मुझे नहीं, मुझे तो अभी से पता लग रहा है। नहीं, मुझे अभी आप ही ने बताया, मेरे को अभी पता नहीं है। आपदा को लेकर केंद्र से कोई अभी तक राहत राशि? देखिए, हमने तो कहा कि इसको नेशनल राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। हमने कहा कि राहत राशि जो हमने केंद्र सरकार के नियमों के तहत दी है उस राहत राशि को जल्दी हमें दिया जाए। तो अभी जो दूसरी टीम आई है उसकी रिपोर्ट सबमिट होने की बात कह रही है, लेकिन हमें आपदा में अपने सोर्सेज से, चाहे वो बागवानों का सेब पहुंचाने की बात है, चाहे किसान की फसल को जो फसलें हैं, सब्जियां हैं, उनको मंडियों तक पहुंचाने की बात है, हम उसमें सफल हुए हैं। और हमारा प्रयास है कि पहले जो हमारे किसान हैं, बागवान हैं, उनका फल और सब्जी मार्केट में पहुंच जाए और उसके बाद जो राहत राशि है उसके लिए हम केंद्र सरकार से एक बार फिर अनुरोध करेंगे। सर, देश चुनाव को लेकर देश में चर्चा चली है और राहुल जी ने भी कहा कि ये संघीय ढांचे पर हमला है, सर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो हमारे हाईकमांड ही तय करता है और जो हाईकमांड तय करता है उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। सर, भाजपा आरोप लगा रही है कि जो मंडी यूनिवर्सिटी उसका दायरा घटा रही है प्रदेश सरकार, बहुत सारी कॉलेजेस को बाहर कर दिया है। देखिए, कोई विश्वविद्यालय जो खुलता है उसके कोई नियम कानून होते हैं। आपने ठीक है कि चुनावों से 6 महीने पहले जयराम ठाकुर जी ने सरदार पटेल मंडी यूनिवर्सिटी खोली, और खोली कहाँ? कॉलेज में, और उसके साथ कॉलेज को एफिलिएट कर दिया। जिस तरह स्कूल खोले ना, उसमें टीचर नहीं है, बच्चे नहीं है, उसी तरह इन्होंने यूनिवर्सिटी भी खोल दी। अब यूनिवर्सिटी में जितने बच्चों के पेपर होने हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बैठने की व्यवस्था नहीं है। आप मुझे यूनिवर्सिटी का कोई ढांचा तो बता दीजिए, कहाँ उनकी बिल्डिंग बनी है? मंडी यूनिवर्सिटी से मंडी के कॉलेज को उन्हीं में एफिलिएट किया गया है, और जो कॉलेज हमने वहाँ से निकाले हैं कि उनके एग्जामिनेशन सेंटर कैसे होने चाहिए उस दृष्टिकोण से किया है। कोई यूनिवर्सिटी बंद नहीं कर रहे हम पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के बाद हम जो पाएंगे कि क्या इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्सेज शुरू किए जाते हैं वो डिसाइड करेंगे। कॉलेज ही है वो, यूनिवर्सिटी नहीं है। अभी उसको नाम दे दिया क्योंकि चुनाव लड़ना चाहते थे और चुनाव में फायदा उठाना चाहते थे। हम जो भी काम कर रहे हैं हम ये देख के काम नहीं कर रहे कि हमने चुनावों में लड़ना चुनाव लड़ना है। हमने आपका राहत पहुंचाई है तो ये देख कर राहत पहुंचाई है कि आम आदमी के घर तक हमारी सरकार पहुंचे, हर गरीब के दरवाजे तक हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य जा रहे हैं, रोज रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। ये सरकार की कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। और जहां तक मंडी यूनिवर्सिटी की बात है, मंडी यूनिवर्सिटी को कोई बंद करने का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो तरह तरह के शगुफे छोड़ेंगे, और अपना ध्यान वो पत्रकारिता के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करवाना चाहते, यही उनका मुख्य ध्येय है। प्रधानमंत्री घर मानते हैं, इस आपदा की स्थिति में आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या व्यक्तिगत रूप से दोबारा उनसे बात करेंगे? देखिए, अभी तो हम इनसे निपटने के बाद
प्रधानमंत्री जी से बात करने की जरूरत होगी, प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, गृह मंत्री जी से बात करने की जरूरत होगी, गृह मंत्री जी से बात करेंगे। सर, संघीय ढांचे के मुताबिक आपको लगता है कि एज ए मुख्यमंत्री? धन्यवाद सर। सर एक सवाल, इंडियन एक्सप्रेस दो दिन से आपको ट्रैक कर रहा हूं, मुझे एक सवाल पूछना है। 11,000 करोड़ का आपने बोला कि पिछली सरकार का लोन है, उसके बाद 12,000 करोड़ का लॉस इस डिजास्टर पर चलता है, आपका ब्लू प्रिंट क्या है दो महीने के उसके बाद? देखिए, थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिफिकेशन कर देना चाहता हूँ। जो सवाल इन्होंने पूछा है, जब हमारा 8 महीने पहले सत्ता में आए, 75,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल प्रदेश पर चढ़ा हुआ था। आप सब पत्रकार बंधु और सब आम नागरिकों पर 94,000 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों का वेतन तो लागू कर दिया, लेकिन उनकी देनदारियां नहीं दी, तो 85,000 करोड़ रुपए ये हो गया। उसके बाद भी हमारी आर्थिक तंगी के बाद हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी, उसमें हमने फाइनेंस नहीं देखा, उसमें उनका हमने देखा है कि वृद्धावस्था में सामाजिक दृष्टिकोण अपनाया है। उसके बाद आपदा आई, आपदा में हमें राहत नहीं मिली, लेकिन पूरी सड़कें हमने खोल कर रखी, पूरी पानी की योजनाओं को हमने चालू करके रखा, 75,000 टूरिस्टों को यहाँ से निकाला। अब 12,000 करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश को नुकसान है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ विभागों में व्यवस्था परिवर्तन हो चुका है और कुछ में हम और तेजी ला रहे हैं। पहली बार है कि PWD IPH में टेंडर 60 दिन के बजाय 20 दिन के अंदर लग रहे थे, पहली बार है कि PWD में 3 दिन के अंदर हमने टेंडर लगा के सारी सड़कें खुलवाई। एक भी बागवान आज ये नहीं बोल सकता कि कहीं हमारी सड़कें ना खुली हो। हमने शिमला से चमन शर्मा की आत्मनिर्भर बनाएंगे, 10 साल में हम प्रदेश का सबसे समृद्ध